तो मुझे मालूम है कि तुम वीडियो कैसी बनाते हो, बट तुम्हें बनाना कुछ ऐसा है तो ये पॉसिबल है आपके मोबाइल फ़ोन में। आप ये मोबाइल फ़ोन में ऐसी वीडियोस बना सकते हो एंड ये बहुत ज़्यादा इजी है। एंड लिटरली आप वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कैसा बनाना है कैसा नहीं। एज यू नो मैं इस चैनल पे बहुत ज़्यादा टाइम से वीडियो डाल रहा हूँ, मतलब बीच में मैंने थोड़ा बंद कर दिया था बट अभी रेगुलर हो गया एंड बहुत ज़्यादा टाइम से मैंने डाली है वीडियो। एंड 200 प्लस ज़्यादा वीडियो डाली, मतलब 200 से भी ज़्यादा मैंने वीडियो डाल चुका है इस चैनल पे। एंड उसके हिसाब से मैं आपको आज की वीडियो में टिप एंड ट्रिक्स मोड और बहुत सी सेटिंग्स बताने वाला हूँ जिससे आपकी वीडियो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी और इससे भी ऊपर लेके जाना है तो वो आपके ऊपर है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस, आपका क्रिएटिविटी एंड आपका माइंडसेट, आपका व्यू पॉइंट मैटर करता है कि आप वीडियो कैसी बनाते हो, कैसा प्रेजेंट करते हो एंड कैसा आप दिखाते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना देरी के, लेट्स बिगिन गाइस। नंबर वन, सिनेमैटिक्स। सिनेमैटिक बनाना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मगर मैं इसके लिए यूज करता हूँ मोड्स, और वो मोड में आपको सिर्फ चाहिए एक स्टिक और एक डर्ट और उससे आपका पूरा काम हो जाएगा, लिटरली पूरा काम हो जाएगा। कैसे मैं बताता हूँ। सो गाइस फर्स्टली हम बात करते हैं स्टिक के बारे में। तो स्टिक को आप होल्ड करो तो आपके पास इतने सारे ऑप्शन आ जाएंगे एंड इसके अंदर है सबसे पहला ऑप्शन अपना डायनेमिक टीटीपी 1 एंड 2। इसके अंदर भाई ये कैमरा पर्सपेक्टिव्स हैं जिससे आप यूनिक शॉट ले सकते हो, लाइक ऐसा शॉट्स आप बना सकते हो जो कि बहुत ज्यादा क्रिएटिव लगते हैं। ये है फॉलो कैम पर्सपेक्टिव, मतलब कैमरा, इसको आप फॉलो करने के लिए यूज कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे। और ये है वॉस्ट और व्यू पर्सपेक्टिव, लिटरली ये बहुत ज्यादा वन ऑफ द बेस्ट एंड बेस्ट कैमरा एंगल मुझे लगा है, और इससे आप अपना क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, जो भी आपके अंदर डायरेक्टर है वो आप निकाल सकते हो। और ये है अपना 2D कैम व्यू, लिटरली ये वाला भी बहुत ज्यादा बेस्ट है। सो गाइस नेक्स्ट हम बात करते हैं डर्ट के बारे में। डर्ट तो भाई एकदम ही गोल्ड एंड डायमंड है, क्योंकि भाई गोल्ड को जैसा आप होल्ड करोगे, लाइक डर्ट को आप होल्ड करोगे तो आपके पास इतना सारे ऑप्शन मिलेंगे एंड इससे आप बना सकते हो OG सिनेमैटिक, लाइक आप जो भी देखते हो ना सिनेमैटिक कैमरा घूमता है ये सब होता है, आप सिंपली इससे बना सकते हो। और इसको सिंपली आपको डर्ट से बनाना है, सिंपल आपको इसको होल्ड करके रखना, आपके पास ऊपर जो भी 3 ऑप्शन है वही काम के हैं और कुछ ऐसा आपका सिनेमैटिक निकल के आएगा। लिटरली कैसा बनाना हो तो मैं आपको बताता हूँ, बट आप सिनेमैटिक देखो कितना ज़्यादा बेस्ट है यार, मतलब ये सिर्फ मैंने भाई इस मोड से बनाया है और ये अपना माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में बनाया है। ऐसा तो आपको नॉर्मली मालूम होगा कैसा बनता है क्या है, बट लिटरली बहुत ज़्यादा हार्ड है। एंड अगर आप 100 लाइक करते हो तो भाई इससे भी ज़्यादा बेस्ट सिनेमैटिक आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, तो प्लीज़ यार 100 लाइक कर देना। एंड गाइस इसके अंदर आपको कैसा क्या करना है वो मैं बताता हूँ, आपको सिंपली डर्ट को होल्ड करके रखना है। होल्ड जैसा करोगे आपके पास 3 ऑप्शन आ जाएगा, ऐड फ्रेम रेट, ऐड फ्रेम पोजिशन और कैमरा एंगल, जो भी है कैमरा सेटिंग, ये 3 ही काम के हैं और कुछ भी नहीं। सिंपली आपको क्या करना है, आपको जाना है और ऐड फ्रेम पोजिशन करना है। सब जगह ऐड फ्रेम पोजिशन जिधर जिधर आप करोगे उधर उधर आपका कैमरा रोटेट होगा एंड उधर उधर ही आपको प्ले भी करना है। तो सिंपली आपको ऐसे ऐसे जाके हर जगह कर देना है। मैं फटाफट इसको सबको हर जगह प्लेस कर देता हूँ एंड उसके बाद आपको जो एंड रिजल्ट है वो दिखाता हूँ। एंड लिटरली ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम ज़्यादा ईजी है, इतना ज़्यादा हार्ड है नहीं, कुछ ज़्यादा भाई साइंस फिक्शन नहीं है, एकदम नॉर्मल सा है। सिंपल आपको लास्ट में कैमरा ऐड करना है, मतलब कैमरा स्टार्ट करना है सॉरी, और आप कुछ सेटिंग भी कर सकते हो अगर भाई आपको नीड है, अगर आपको करना है तो आप सेटिंग भी कर सकते हो। एंड जैसे स्पीड रखोगे वैसा चलेगा, मैं एकदम स्लो रखा हूँ तो देखो भाई कैसा स्लो चल रहा है, वैसे सिंपल है भाई, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ेदार मोड है, मुझे भाई बहुत ज़्यादा बेस्ट लगा, मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक लगा और आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कॉमेंट में बताना। तो चलो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मोड पर। तो गाइस ये जो सामने बंदा देख रहे हो, अगर आप अभी तक आपकी वीडियो यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुकी है, बट चलो अभी यहाँ तक पहुँचाते हैं, क्योंकि अभी हम छोटे मोटे मोड्स की बात करेंगे और छोटे मोटे सेटिंग की बात करेंगे, तो फटाफट इसको निपटाते हैं एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो गाइस नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्पाई ग्लासेस के बारे में। तो स्पाई ग्लासेस तो सब बना सकते हैं एंड बनाना बहुत हार्ड है, क्योंकि ग्राइंड करना पड़ता है, बट आपको सिंपली ये वाला मोड इंस्टॉल करना है और इससे आपका सब काम हो जाएगा। इसका नाम है जूम मोड, लिटरली इससे आपको जूम करना है, और जूम कैसा करना है, सिर्फ स्टिक लेना हाथ पे और क्राउच करना है, जैसे आप क्राउच करोगे सिंपली ये जूम हो जाएगा। और सेम ऐसा आप इंस्टाग्राम पे भी जूम करते हो ना, अरे यार ये बोलना था कि नहीं, क्या बोला तूने। सो गाइस नेक्स्ट मोड जो है उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आते हैं, व्यू चेंजर मोड है, गेम चेंजर मोड है एंड इसके अंदर और भी सेटिंग्स कर सकते हो, लाइक इसके अंदर आप व्यू चेंज कर सकते हो, जैसे उसने मुझसे कर लिया। क्या जोक मारा भाई, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तो गाइस नेक्स्ट है अपना बटन हाइडर मोड, लिटरली इसको आप लगा के अगर अपनी वीडियो बनाओगे तो भाई सबको लगेगा आप जावा एडिशन में खेल रहे हो, और भाई बटन हाइडर मोड बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, और ये जो भी नए अपडेट आए जितने भी बटन है वो सबको ये हाइड करता है, लिटरली A1 काम करता है। और भाई मैं बहुत टाइम से इंस्टाग्राम पे उसकी ID में ढूंढ रहा हूँ यार, वो भी हाइड हो चुकी है, मुझे मिल नहीं रही है भाई, तुझे उसने ब्लॉक कर दिया है क्या। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है,
ऑलराइट गाइस, फाइनली चलते हैं अपने नेक्स्ट मोड पे। तो भाई इस वाले मोड के अंदर आपको देखने मिलेगा एम्बिएंट साउंड इफेक्ट। ये बहुत ज्यादा बेस्ट एंड बहुत ज्यादा ओपी साउंड इफेक्ट होता है। लिटरली इसके अंदर इतने सारे आपको एवरी फूड स्टेप से लेके वाटर का साउंड इफेक्ट, अगर विंड चल रहा है तो उसका साउंड इफेक्ट, अगर भाई फॉरेस्ट में जाओगे तो उसका अलग साउंड इफेक्ट, हर एक जगह जाओगे ना उसका अलग साउंड इफेक्ट मिलेगा। और इससे भाई आपका माइनक्राफ्ट खेलने का एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का हो जाता है। इससे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस ज्यादा बढ़ जाता है। अगर भाई आप वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालते हो या क्रिएटर हो, तो भाई अगर आप ये मोड यूज करोगे तो भाई आपका वीडियो और ज्यादा अपग्रेड होगा, यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, लिटरली आपका लेवल अप होगा और बहुत ज्यादा अच्छी वीडियो निकल के आएगी। तो जरूर से इसको भी ट्राई करना। और ये मोड के मैं कुछ आपको छोटे मोटे साउंड इफेक्ट सुना देता हूँ, तो चलो अभी सुनो। अरे भाई ये क्या बज गया, सॉरी गाइस, अभी रियल क्लिप अभी आने वाली, तो चलो अभी देखो। सो लेट्स गाइस, फाइनली सब मोड खत्म हो चुके हैं, सब सेटिंग खत्म हो चुकी है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया कि भाई मैं कैसी वीडियो बनाता हूँ, कैसे क्या क्या मोड्स यूज़ करता हूँ। तो भाई मैं ऐसा बनाता हूँ वीडियो, ज़्यादा कुछ है नहीं कॉम्प्लिकेटेड, और कुछ थिंग्स मैंने नए ऐड किए हैं जो कि भाई वीडियो में कुछ नए नए चीज़ ऐड किए हैं जिससे वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग बनती है, लाइक एडिटिंग। अगर आपको एडिटिंग सीखना है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में बताना, तो भाई मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। लाइक थंबनेल भी अगर आपको बनाना सीखना है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में बताना, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। लाइक आपको जो भी चाहिए ना भाई, जो भी आपको यूट्यूब के बारे में जो सीखना है माइनक्राफ्ट क्रिएटर एज अ माइनक्राफ्ट क्रिएटर, तो मुझे कमेंट करना, तो मैं आपको वो सब बता दूंगा। लाइक अगर आप ये सब मोड्स और ये सब सेटिंग आपके फोन में आपकी गेम में अप्लाई करोगे एंड उससे वीडियो बनाओगे, तो भाई डेफिनेटली आपकी वीडियो अच्छी टारगेट ऑडियंस पे जाएगी एंड अच्छे लोग देखेंगे एंड लिटरली वो बूम भी करेगी। वो आपके ऊपर है कि भाई आप कितना कंसिस्टेंट रहते हो। मैं तो ज्यादा नहीं हूं, बट अभी से होना स्टार्ट करूंगा कि भाई बीच में बहुत ज्यादा इनरेगुलर हो गया, इनएक्टिव हो गया, जिससे भाई मेरी रीच गिर चुकी है। तो आप ये वीडियो देख रहे हो तो भाई इसके ऊपर भी बहुत कम व्यूज आएंगे, मुझे मालूम है। अगर भाई आपको मेरे ऊपर तरस आ रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो यार, लाइक करे बिना मत जाना। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये सब आपके ऊपर है कि आपकी क्रिएटिविटी कितनी दिखाते हो आप अपनी वीडियो में, कैसे आप अपनी वीडियो को प्रेजेंट करते हो और कैसे आप अपने व्यूअर से इंगेज करते हो ज्यादा। और भाई ऐसा करो कि भाई ऐसा एक एक सेकेंड होना चाहिए, जैसे मैं पहले भाई ये सब ज्यादा इग्नोर करता था कि मैं वीडियो तो बनाता था बट बहुत सारे बोरिंग पार्ट्स होते थे। इसके अंदर भी होंगे थोड़े बहुत, बट यार मैंने उसको अवॉइड करना स्टार्ट किया। अभी भाई जितने भी आपको मतलब वीडियो के हर एक सेकेंड और स्टार्टिंग के 30 सेकेंड एकदम ज़्यादा इंगेजिंग लगे होंगे और अच्छे लगे होंगे, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो का 30 सेकेंड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 30 सेकेंड में कुछ अच्छा दिखाते हो व्यूवर को, तो वो व्यूवर ग्रैप होगा, आप ऑडियंस ग्रैप कर सकते हो एंड उसके बाद वो ऑलमोस्ट यार 2-3 मिनट तक तो आपकी वीडियो देखेगा, क्योंकि भाई आपने उससे मतलब कुछ ना कुछ तो बताया है। और अगर आपको ये सब ट्रिक चाहिए कि भाई कैसे आप वीडियो में ऑडियंस को रोक सकते हो और कैसे आप अपने वीडियो पे व्यूज ला सकते हो, तो भाई मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो प्लीज़ यार वीडियो को एंड तक देखना, देखे तो हो, अगर देखे हो तो भाई आप कमेंट कर दो सुपर सैन मत करो यार, ये तो मालूम नहीं किसका है, तो आप कर दो सुपर क्रिडबो आप कमेंट कर दो, तो मैं मान जाऊँ कि भाई आपने मुझे मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है। एंड ये सब आपके ऊपर है, आपको जो भी वीडियो चाहिएगी प्लीज़ यार मुझे बता देना एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि भाई रीच बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है और भाई बोल बोल के मैं अटक रहा हूँ। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय एंड गाइस पीस आउट गाइस।